हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा हम लोगों ने चैप्टर थर्ड में मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, चैप्टर फोर्थ में हम लोगों ने पढ़ा डिटरमिनेंट्स के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। चैप्टर फिफ्थ का जो पार्ट 5.2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि डिटरमिनेंट मैथमेटिक्स की जो डिफरेंट ब्रांचेज हैं उसमें हमारी क्या हेल्प कर सकता है, डिटरमिनेंट की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, सारणिक के क्या क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं। आज हम इस चैप्टर में वही सब सीखने जा रहे हैं, डिटरमिनेंट की एप्लीकेशंस या उनके अनुप्रयोग। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो बेटा आज का जो फर्स्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, डिटरमिनेंट की हेल्प से आप एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको उस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस, तीनों शीर्ष दिए गए हों तो आप इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, जिसका एक फॉर्मूला आपने 11th में पढ़ा था, बट यहाँ डिटरमिनेंट की हेल्प से आप इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। ये डिटरमिनेंट की एक एप्लीकेशन है। सेकेंड टॉपिक इस चैप्टर में जो पढ़ा जाएगा, अगर आपको किसी लाइन की इक्वेशन बनानी हो जो दो गिवन पॉइंट से पास होती हो, ये पॉइंट्स आपको दिए गए हों और आपको इस लाइन की इक्वेशन बनानी हो, तो इसका एक मेथड 11th क्लास में आप पढ़ के आ चुके हो। इस लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम, एम होती है लाइन की स्लोप या इस रेखा की प्रवणता इन टू एक्स माइनस एक्स वन। याद कीजिए ये फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा था, आप इससे इस लाइन की इक्वेशन, इस रेखा का समीकरण बनाते थे। बट हम इस लाइन की इक्वेशन के लिए एक नया मेथड आज सीखने वाले हैं, हम डिटरमिनेंट की हेल्प से भी इस लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। तो सेकेंड टॉपिक इस चैप्टर में आने वाला है ये। थर्ड टॉपिक इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे, आपके पास ये एक सिस्टम है जिसमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं, तीन भी हो सकती हैं, वहाँ पे एक वेरिएबल जेड और आ जाएगा। तो ऐसा कोई सिस्टम हो लीनियर इक्वेशंस का, रैखिक समीकरणों का कोई निकाय हो और हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हो, यानी हमें एक्स वाई या जेड हो तो जेड की वैल्यू इनको सॉल्व करके निकालनी हो, तो उसके लिए हम लोगों ने 10th 11th में बहुत सारे मेथड पढ़े हुए हैं। एल्जेब्रिक मेथड हैं, एलिमिनेशन मेथड, जैसे एक्स को एलिमिनेट कर दिया वाई की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी बहुत मेथड थे। बट हम यहाँ इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि डिटरमिनेंट की हेल्प लेकर बहुत ईजीली आप इस सिस्टम को भी सॉल्व कर सकते हो, यानी डिटरमिनेंट की एक एप्लीकेशन है कि हम इस सिस्टम का सॉल्यूशन भी डिटरमिनेंट की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। चौथा टॉपिक और लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर 5.2 में है वो है कि आप इस सिस्टम का सॉल्यूशन मैट्रिक्स मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हो, यानी एक मेथड पढ़ोगे जिसका नाम होगा मैट्रिक्स मेथड। क्या काम आएगा? इस टाइप के सिस्टम का सॉल्यूशन निकालने के काम आएगा। तो ये चार टॉपिक आपके इस चैप्टर में हैं। आज इन चार में से हम स्टार्टिंग वाले ये दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यानी हम ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखने वाले हैं और एक लाइन की इक्वेशन डिटरमिनेंट की हेल्प से निकालना सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके अब हम देखने जा रहे हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। बेटा 11th क्लास में याद कीजिए, जैसे ये एक ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस आपको दिए गए हैं, आपको इसका एरिया निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू। इस फॉर्मूले को कैसे याद रखा जाए, एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस फॉर्मूले को याद रखने का, 1/2 लिखिए, उसके बाद अंदर पहले एक्स वन फिर ब्रैकेट, फिर एक्स टू फिर एक ब्रैकेट प्लस एक्स थ्री और फिर एक ब्रैकेट, ये बना लीजिए। अब एक साइकिल ऑर्डर में आपको 1, 2, 3 याद
रखना है। वन के बाद कौन आएगा? टू, टू के बाद थ्री, और थ्री के बाद कौन आएगा? थ्री के बाद आएगा वन, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद वन। अब देखिए वन, वन के बाद क्या आना है बच्चों? टू और थ्री, तो यहां लिखोगे y2 माइनस y3। देखो वन के बाद टू और थ्री, अब आ गया टू, तो टू के बाद कौन आएंगे? थ्री और वन, तो थ्री यानी y3 माइनस y1। देखो थ्री और वन आ गए टू के बाद, अब ये थ्री, तो बेटा थ्री के बाद साइक्लिक ऑर्डर में कौन आएगा? वन और टू, तो y1 माइनस y2। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो एलेवेंथ क्लास के हिसाब से, ठीक है। अब मैं एक डिटरमिनेंट लिखने जा रहा हूं, मैंने लिखा वन बाई टू, और फर्स्ट ये लिखा मैंने फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स, यहां लिखा है मैंने सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और यहां लिखे मैंने थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और यहां लिखा वन वन और वन। अब इस डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड करते हैं, इसका प्रसार ज्ञात करते हैं थर्ड कॉलम के रेस्पेक्ट में, प्लस माइनस और प्लस। तो प्लस एक्स वन, प्लस एक्स वन, ये रो कॉलम छोड़ा, तो वाई टू माइनस वाई थ्री, वाई टू माइनस वाई थ्री, यहाँ पे आएगा माइनस एक्स टू, माइनस एक्स टू। ओके, ये रो और कॉलम छोड़ दिया, तो बेटा होगा वाई वन माइनस वाई थ्री, वाई वन माइनस वाई थ्री, और लास्ट में प्लस एक्स थ्री, प्लस एक्स थ्री, एक्स थ्री वाली रो और कॉलम छोड़ दिया आपने, वाई वन माइनस वाई टू, वाई वन माइनस वाई टू। अब थोड़ा सा एक चेंज करने जा रहा हूँ, इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो ये बना वाई थ्री माइनस वाई वन, और ये माइनस का साइन प्लस में चेंज हो गया, ठीक है। अब इसको इक्वेशन सेकेंड को इस इक्वेशन फर्स्ट से कंपेयर करके देखना, बिल्कुल सेम है, एक्स वन एक्स वन, वाई टू वाई थ्री, वाई टू वाई थ्री, एक्स टू एक्स टू, y3 y1, y3 y1, x3 x3, y1 y2, y1 y2, है ना सेम। तो इसका मतलब ये जो मैंने डिटरमिनेंट लिखा है ये क्या है? ये है ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एक फॉर्मूला बन गया बच्चों अपने पास में, फॉर्मूला ये है, देखिए ये वाला फॉर्मूला, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालना हो जिसके वर्टेक्स अपने पास हो, जिसके वर्टिसेस अपने पास में हो, तो इसका फॉर्मूला होगा वन बाई टू, डिटरमिनेंट लिखेंगे थ्री बाई थ्री वाला, इसको याद कैसे रखेंगे? फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप यहां लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट, फिर सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और फिर थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, फिर उसके बाद एक कॉलम लिखेंगे वन वन वन। तो ये एक फॉर्मूला है जो आज आपने सीख लिया है। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों? ट्रायंगल का एरिया या एरिया ऑफ ट्रायंगल, समझ में आया? ये आपको याद करना है, ठीक। किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है बच्चों, ध्यान रखना, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। एरिया मिनिमम जीरो हो सकता है या फिर पॉजिटिव होगा, बट एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। एरिया कैंट बी नेगेटिव। मान लीजिए किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं, आप एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, और मान लीजिए ट्रायंगल का जो एरिया आया वो आ गया आपका माइनस 15 स्क्वायर यूनिट, माइनस 15 वर्ग इकाई, बट एरिया नेगेटिव होता ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में? अगली स्टेप में आप इस माइनस 15 की मॉडुलस वैल्यू ले लेंगे, इसका मापांक या इसका निरपेक्ष मान ले लेंगे, तो ये कितना होगा? साइन को आप छोड़ दें, प्लस 15 स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई। तो कभी भी हमारा एरिया नेगेटिव आ जाता है, बट एरिया नेगेटिव होता नहीं है, तो हमें उसकी हमें उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू ही लेनी है, साइन को नेगेटिव को छोड़ देना है, तो हमारा एरिया हमें इस तरह से लिख के शो करना होगा। तो ये बच्चों एरिया की बात हो गई है, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं एरिया कैलकुलेट करने वाला, और उस एग्जाम्पल से आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल सपोज ये है बच्चों आपका, आपके पास वर्टिसेस हैं वन, सॉरी वर्टिसेस हैं वन
कॉमा टू, सेकेंड वर्टिसेस है टू जीरो, और थर्ड वर्टेक्स है आपका वन फाइव, और आपको इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया कैलकुलेट करना है। तो इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होना चाहिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट वन टू वन टू, सेकेंड कोऑर्डिनेट टू जीरो टू जीरो, थर्ड कोऑर्डिनेट वन फाइव वन फाइव, कॉलम वन का ये फॉर्मूला हुआ एरिया का। अब इसको एक्सपेंड कर दें, फर्स्ट रो के अलोंग प्लस माइनस प्लस, तो प्लस वन, वन वाली रो कॉलम छोड़ा तो जीरो माइनस फाइव, माइनस फाइव आ गया आपका। फिर माइनस टू, देखो ये वाला माइनस टू, ये कॉलम और ये रो छोड़ दी, टू माइनस वन टू माइनस वन, फिर प्लस वन प्लस वन, वन वाली रो वन वाला कॉलम, टेन माइनस ज़ीरो टेन माइनस ज़ीरो। तो कैलकुलेशन करें, माइनस फाइव माइनस टू प्लस टेन, तो ये हो गया माइनस सेवन प्लस टेन, तो एरिया हुआ थ्री स्क्वायर यूनिट। बेटा यूनिट ज़रूर लगाना एरिया की, एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर यूनिट, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई, ये आपको लिखना है लास्ट में। तो एरिया समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम बात कर रहे हैं एक कंडीशन की। कंडीशन किसकी, तीन पॉइंट हो, उन अगर वो तीनों पॉइंट एक लाइन में हो, सीधे एक लाइन में हो, तो हम कहेंगे कॉलिनियर है, संरेख है। तो तीन बिंदुओं के संरेख होने की शर्त या कंडीशन क्या होगी, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। आपके पास बच्चों मान लो एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है बच्चों आपके पास में, ठीक है। इस ट्रायंगल का कुछ ना कुछ एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये इसका एरिया है, इतना वाला पोर्शन इसका एरिया है। अब आप सपोज इमेजिन कीजिए कि ये जो पॉइंट सी है, अगर ये पॉइंट धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाए तो एरिया धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, जैसे और नीचे आ जाए एरिया और डिक्रीज हो जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि पॉइंट सी नीचे आते आते इस लाइन ए बी के ऊपर आ जाएगा, और जैसे ही इस लाइन पर आएगा तो ये ट्रायंगल गायब होकर हमें एक लाइन दिखना शुरू हो जाएगी, यानी ट्रायंगल का एरिया हो गया यहाँ पर ज़ीरो, एरिया ज़ीरो हो गया। और ठीक उसी समय ये तीनों पॉइंट ए बी सी सीधी एक लाइन में आ गए, सीधी एक रेखा में आ गए, तो हम कहेंगे तीनों पॉइंट संरेख हो गए या कॉलिनियर हो गए। तो तीन पॉइंट कॉलिनियर होने की कंडीशन होती है कि अगर तीन पॉइंट कॉलिनियर हैं एक रेखा में हैं, तो बेटा उनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 100% ज़ीरो होगा। तो ये कंडीशन आ चुकी है, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स, तीन बिंदुओं के संरेख होने की शर्त क्या होगी, तीन बिंदु संरेख होंगे कॉलिनियर होंगे अगर उनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो, जीरो हो। अब इस वन बाई टू को आप इधर मल्टीप्लाई कर दें, इधर टू को शिफ्ट कर दें, तो ये टू इंटू जीरो जीरो बनेगा। तो ये कंडीशन आ चुकी है आपकी, जिसमें यहाँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिखते हैं, यहाँ सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, यहाँ थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, और यहाँ तीन वन लिखे जाएंगे, याद रखोगे इसको, ठीक है। अब इस पर मैं एक एग्जांपल लेने जा रहा हूँ। एग्जांपल ये है कि ये तीन पॉइंट्स हैं और ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर हैं, मतलब संरेख हैं। कॉलिनियर का मतलब क्या हुआ बच्चों, संरेख, यानी एक सीधी रेखा में है, संरेख। ये पेन थोड़ा चल नहीं रहा है, आप समझ जाना संरेख लिखा है मैंने यहाँ पे, ये ओके। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो स्टार्टिंग करते हैं। गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर, चूंकि दिए गए बिंदु संरेख हैं, इसलिए क्या होगा, इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा बच्चों, वो जीरो होगा, ठीक है। तो मैंने ये एरिया लिखा, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट और तीन वन, ये जीरो होगा। इसको एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो के अलोंग, प्रसार करते हैं प्रथम पंक्ति के सापेक्ष, तो प्लस एक्स, इनको छोड़ दिया, टू माइनस एट
फिर माइनस माइनस टू, तो ये बन गया प्लस टू। इनको छोड़ने पर हमें मिला फाइव माइनस एट, फाइव माइनस एट, फिर लिया प्लस वन, प्लस वन के बाद में इनको छोड़ा हम लोगों ने, तो ये बना फोर्टी माइनस सिक्सटीन, ये भी लिखा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो माइनस सिक्स एक्स, यहाँ माइनस थ्री को इससे इंटू किया माइनस सिक्स, और यहाँ ट्वेंटी फोर, तो ये बना माइनस सिक्स एक्स, और इनको सॉल्व किया तो प्लस एटीन, और लास्ट में x की वैल्यू आ गई आपके पास प्लस थ्री। तो ये आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर सेवन। एग्जाम्पल सेवन के जैसे और कौन कौन से क्वेश्चन इस बुक में हैं, एक तो एग्जाम्पल नंबर एट है आपको करना है, एक क्वेश्चन नंबर फाइव है ये आपको करना है, और एक क्वेश्चन नंबर थर्टीन है वो भी आपको सॉल्व कर लेना है। तो ये कोलिनियर वाली कंडीशन पर टोटल इस चैप्टर में चार क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये चारों में से एक मैंने करवा दिया है, बाकी तीन आपको आज खुद सॉल्व करने हैं। अब मैं अगले टॉपिक पर जाने वाला हूँ। इसके बाद अगला मेरा टॉपिक है कि दो पॉइंट मुझे दिए गए हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक है, मुझे इन पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन की इक्वेशन बनानी है। ये इक्वेशन मैंने इलेवेंथ क्लास में इस तरीके से सीखी हुई है, एक फॉर्मूले से, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन, यहाँ बेटा x1 आएगा, x माइनस एक्स वन। थोड़ा पेन चल नहीं रहा है, समझ जाना आप इसको, और यहाँ ऊपर आएगा y2 माइनस वाई वन, नीचे आएगा x2 माइनस एक्स वन। ऊपर क्या आएगा, y2 माइनस वाई वन, नीचे होता था x2 माइनस एक्स वन। ये इलेवेंथ क्लास में हम लोगों ने लाइन की इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला सीखा हुआ है, बट यहां इस लाइन की इक्वेशन बनाएंगे इस फॉर्मूले से नहीं, डिटर्मिनेंट की हेल्प से बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे लाइन ए बी की इक्वेशन बनानी है, तो मैंने इस पर अपनी ओर से अज्यूम किया एक पॉइंट पी, जनरल पॉइंट लिया मैंने एक्स कॉमा वाई, ये मैंने अपनी ओर से ले लिया। अब तीनों पॉइंट को ऑब्जर्व करो, पी ए और बी, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हैं, कॉलिनियर हैं, और जब तीन पॉइंट कॉलिनियर होते हैं तो हमें पता है उनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया जीरो होता है, उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो होता है। तो देखिए, सिंस ए बी एंड पी आर कोलिनियर, चूंकि ए बी सी संरेख हैं इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो होगा, जीरो लिखा मैंने। अब इसको एक्सपेंड कर लो फर्स्ट रो के अलोंग, प्लस माइनस प्लस। इसमें थोड़ा ध्यान रखना इजी बनाने के लिए, फर्स्ट पॉइंट हमेशा एक्स वाई रखना, ये पॉइंट पी, बाकी आप चाहे सेकंड नंबर पे भी ले सकते हो, थर्ड पे भी ले सकते हो, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। इसलिए कोशिश ये करना जनरल पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट हैं पी के, वो आपको फर्स्ट रो में ही रखने हैं। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। अब एक्सपेंड करते हैं प्लस एक्स, ये छोड़ने पर मिला वाई वन माइनस वाई टू, कर लेंगे ऐसे ही माइनस वाई। एक्सपेंड करने के बाद लास्ट में आपके पास, चलो मैं एक्सपेंड करके ही दिखा देता हूँ बच्चों आप लोगों को, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट समझ में आ जाएगा आपको ना। तो करते हैं कोशिश एक्सपेंड करने के लिए, यहां ये पेन मिस्टेक कर रहा है बच्चों, थोड़ा वेट करना होगा। करते हैं फर्स्ट रो के अलोंग, तो देखिए प्लस एक्स, इनको छोड़ दिया आपने वाई वन माइनस वाई टू, वाई वन माइनस वाई टू, फिर माइनस वाई माइनस वाई, इनको आपने डिलीट किया तो एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन माइनस एक्स टू, फिर प्लस वन, प्लस वन ये आपने छोड़ दिया तो एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू, एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू। इस तरीके से जब सॉल्व कर लेंगे तो आपको यहाँ एक लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में मिल जाएगी, एक टर्म एक्स की होगी, एक टर्म y की होगी, और एक होगी कॉन्स्टेंट टर्म इज इक्वल टू जीरो। तो ये लाइन की इक्वेशन ऐसी बन जाएगी। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन डिटरमिनेंट की हेल्प से आप बना सकते हो। हम एक एग्जांपल देखते हैं बुक में, एग्जांपल नंबर नाइन, हम इसकी बात करने जा रहे हैं एग्जांपल नाइन की। एग्जांपल है क्या,
फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, यानी कह रहा है कि बिंदु ए और बिंदु बी से पास होने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, इन पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन बनानी है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कैसे बनाते हैं, तो हम पॉइंट ए और पॉइंट बी से जाने वाली इस लाइन पर एक पॉइंट पी अपनी ओर से मैंने अज्यूम किया एक्स कॉमा वाई, तो स्टार्ट किया मैंने लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन लाइन बी, माना कि रेखा ए बी पर कोई बिंदु पी है, ये मैंने मान लिया। अब क्योंकि तीनों पॉइंट पी ए और बी कैसे हैं, कोलिनियर हैं, संरेख हैं, तो सिंस पी ए एंड बी आर कोलिनियर, चूंकि बिंदु पी ए व बी संरेख हैं, इसलिए क्या होगा, इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया, ये वाला एरिया क्या होगा, जीरो होगा। तो एरिया आपको लिखना आता है फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, वन वन वन, ये एरिया जीरो होगा। बेटा इसको एक्सपेंड करो, टू को तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म। इसको एक्सपेंड किया फर्स्ट रो के अलोंग प्लस एक्स, इनको छोड़ा आपने थ्री माइनस टू माइनस वाई, ये छोड़ा आपने फोर प्लस फाइव, ठीक, प्लस वन प्लस वन, इनको छोड़ा आप लोगों ने एट प्लस फिफ्टीन, और इज इक्वल टू लिखना है जीरो, ये वाला जीरो देखो ये। अब इसको सॉल्व कर लीजिए एक्स, और ये आ गया बच्चों माइनस नाइन वाई, माइनस नाइन वाई देखो, और ये हो गया आपका 23 इज इक्वल टू जीरो, तो ये लाइन की इक्वेशन बन चुकी है, ठीक। इसी क्वेश्चन में एक पार्ट और है, वो पार्ट ये है कि इस लाइन पर हमें एक पॉइंट सी और दिया हुआ है, ये पॉइंट सी हमें दिया हुआ है, अब हमसे कह रहा है कि के की वैल्यू फाइंड करो। तो सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का ये है, ए और बी से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन आपने बनाई, अब इस लाइन पर एक पॉइंट सी और दे रखा है आप लोगों को, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तीनों पॉइंट एक लाइन में हैं तो कोलिनियर हैं, संरेख हैं, तो क्या होगा, अब इन तीनों पॉइंट ए बी सी से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया जीरो होगा। तो बेटा तो हम लिख देंगे इस बात को यहां पे, सिंस पॉइंट ए पॉइंट बी एंड पॉइंट सी आर कोलिनियर, ये लिखेंगे, देयरफोर एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। बेटा सॉरी थोड़ा सा मैं गलत बोल गया, इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें, इसने ये कहा है कि आपको ट्रायंगल एबीसी का एरिया दे रखा है टू यूनिट, पॉइंट सी, सॉरी मैंने यहां थोड़ा गलत कर दिया, पॉइंट सी कहीं और है, इस लाइन पे नहीं है, ये पॉइंट सी है। हम इसे दोबारा देख लेते हैं एक बार, ये आपका पॉइंट सी है, ठीक, पॉइंट सी यहां पे नहीं था, मैं हटा रहा हूं इस पॉइंट को, ऐसे पॉइंट सी यहां पे है कहीं आपका, ये पॉइंट सी है। अब आपको ट्रायंगल एबीसी का एरिया दे रखा है टू स्क्वायर यूनिट, ये दिया हुआ है, और इससे आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी का एरिया मैंने यहां लिखा, आप लिख सकते हैं बहुत इजीली, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट, तो इसका एरिया कितना है टू स्क्वायर यूनिट। अब समझना खास बात, एरिया कितना बताया बच्चों इसने, टू स्क्वायर यूनिट, ये इसने बताया एरिया। हो सकता है जब एरिया निकाल रहे थे तो वो एरिया, दो पॉसिबिलिटी हैं, हो सकता है प्लस टू आया हो और हो सकता है वो आंसर माइनस टू आया हो, बट हमने ये पढ़ा था कि एरिया नेगेटिव नहीं होता है, तो अगर एरिया नेगेटिव आया था तो हमने उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर उसको प्लस टू बताया अपने आंसर को। हो सकता है हमारा एरिया प्लस टू आया हो, तो अभी हमने कितना बोला एरिया टू स्क्वायर यूनिट, तो ये बोल रहा है एरिया टू स्क्वायर यूनिट है, तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी बन रही हैं, हो सकता है एरिया प्लस टू हो सकता है एरिया माइनस टू हो। तो बेटा ध्यान देना, जब भी आपको किसी ट्रायंगल का एरिया दे रखा हो, जैसे यहाँ टू दे रखा है, तो आप यहाँ केवल टू नहीं लिखेंगे, आप यहाँ टू की जगह क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ टू या सीधे प्लस माइनस टू, क्या लिखेंगे बच्चों,
प्लस माइनस टू, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको आप एक्सपेंड कर लें, तो इसको एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो के अलोंग, मैंने इसको एक्सपेंड किया, आप कर सकते हो, और सामने कितना है, प्लस माइनस टू है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, एक बार प्लस का साइन लेके और एक बार माइनस का साइन लेके, तो आपके के यहाँ दो आंसर आ जाएंगे। आप सॉल्व करोगे ना तो आपको यहाँ दो आंसर मिल जाएंगे, तो ये कर लोगे, कैलकुलेशन है छोटी सी, सिंपल है। इस एग्जाम्पल 9 के जैसे अब कौन कौन से क्वेश्चन और हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी आपको खुद कर लेना है। इस एग्जाम्पल को देखते हुए ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने हैं, समझ में आ गया बच्चों। और जो कॉलिनिटी वाली कंडीशन थी उस पर ये क्वेश्चन मैंने बताई दिए थे आप लोगों को, ये भी आपको करने हैं। तो आज जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसके बेस पर एग्जाम्पल 7, 8, 9 ये हो जाएंगे 3 एग्जाम्पल, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक ये आप कंप्लीट कर लोगे। बेटा अपना होमवर्क मैथमेटिक्स का साथ साथ कंप्लीट करते चलें, अगर स्पीड ज़्यादा है तो आप मुझे बता देना, स्लो कर लेंगे, होमवर्क में पीछे नहीं रहना है, बिल्कुल आप साथ साथ ही कंप्लीट करते चलें। तो आज का ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, आपके पास 10 क्वेश्चंस हो गए करने के लिए, वो क्वेश्चंस आप लोग करेंगे, कल टेस्ट है, कल का टेस्ट देने के बाद अगला वीडियो मैं अपलोड करूँगा, या परसों की प्रिपरेशन कर लेना, हम वीडियो उसके नेक्स्ट डे अपलोड कर देंगे। तो टेस्ट के लिए सभी प्यारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, आपको अपना टेस्ट बिल्कुल ईमानदारी से ऑनेस्टी से देना है, चीटिंग नहीं करनी है, अपने आप का इवैल्यूएशन करना है, किसी को इससे पनिशमेंट मिलने वाली नहीं है, किसी को बहुत बड़ा प्राइज़ नहीं मिलने वाला है, हम बिल्कुल ईमानदारी से अपनी ऑनेस्टी से इस टेस्ट को देंगे। तो कल के टेस्ट के लिए सभी बच्चों को एक बार फिर से शुभकामनाएं। ओके बेटा, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।